नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मेंढर जिले के गोहद विधानसभा में ग्राम टुडीला के लोग नियमित पुजारी के बदले जाने और नए पुजारी को मंदिर पर नियुक्त किए जाने से खासे परेशान हैं। इस मामले को लेकर अपर कलेक्टर को शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल मामला भिंड जिले की तहसील गोहद के ग्राम टुडीला का है, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम और पटवारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना ग्रामीणों की राय लिए पहले तो पुजारी बदल दिया, जिसके विरोध में वो कलेक्टर और कमिश्नर के यहां अपील की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वहीं धर्मस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव ने 18 अक्टूबर 2016 को सुनवाई करते हुए कहा कि प्रशासन ग्राम सभा कलेक्टर द्वारा नामजद शासकीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में हो, और आदेश में कहा था कि पुजारी का पद देवताओं की सेवा पूजा अर्चना का है, इसे ग्राम सभा द्वारा ही बेहतर ढंग से चुना जा सकता है। हालांकि इस मामले में एक वर्ष पूर्व अनुविभागीय अधिकारी आर्य प्रजापति ने शिवराम दास त्यागी को पुजारी नियुक्त करते हुए 9 जनवरी 2020 को आदेश जारी किया था, जिसको दोबारा पलटते हुए एसडीएम शुभम शर्मा ने कल्याण सिंह को पुजारी नियुक्त करते हुए मंदिर की जमीन का नामांतरण करने का आदेश जारी कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि इसमें पटवारी ने 39 बीघा जमीन के राजस्व अभिलेख में पुजारी को भूमि स्वामी तक दर्शा दिया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को तब लगी जब मंदिर की जमीन खरीदने के लिए लोग गांव पहुंचे। तब ग्रामीण शिकायत के लिए सक्रिय हुए और मामला मीडिया में उछाला तो जमीन के रिकॉर्ड में सुधार कर दिया गया, जिसकी शिकायत भी इसी आवेदन में की गई है। आपको बता दें कि कलेक्टर सतीश कुमार एस ने पटवारी को निलंबित करने की जानकारी देते हुए अन्य मंदिरों की जमीनों के भू अभिलेखों की जांच कराने की बात कही है। आप कलेक्टर महोदय से शिकायत करने आए हैं, किस उद्देश्य से शिकायत करने के लिए आए थे आप? हमारे गांव में एक जमीन है जो करोड़ों की है, मंदिर के नाम है ठाकुर जी के में। उसमें 2005 में ये फर्जी पुजारी बना था कल्याण जाट, फिर कमिश्नर साहब ने उसे निरस्त करके दोबारा जो है नियुक्ति हुई, तो हमारे महाराज जी की ही नियुक्ति हुई, जिनके नाम में जमीन पहले से चली आ रही थी वो सिर्फ परंपरागत में। उसके बाद में फिर ये कलेक्टर साहब के यहाँ आया तो फिर इसको अपील करके अपास्त करा के फिर पुजारी नियुक्त हुआ। फिर कलेक्टर के पास में जो है फिर भी गांव वालों ने यही शिवराम दास जी को ही पुजारी नियुक्त किया। फिर उसके बाद में फिर आया कलेक्टर, मतलब 2019 में ये अपास्त हुए, अपास्त होने के 2020 में जो है इनकी नियुक्ति हुई। 14/6/21 में इनकी नियुक्ति हुई है। उस नियुक्तियों में कल्याण जाट को फिर से पुजारी बना दिया है और उनको भूमस्वामी भी एसडीएम की साठगांठ से मिलकर कलेक्टर साहब को। आपको कैसे पता चला कि वो भूमस्वामी? गांव में जमीन को खरीदने वाले आए थे जब पता चला है गांववासी। अच्छा, गांव में जब लोग ले आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत पहले मैं कलेक्टर साहब के यहाँ कर चुका हूँ, उसके बाद मैं अभी फिर कलेक्टर साहब के यहाँ आया। तो पहले शिकायत करी थी, फिर क्या हुआ? बोला देखेंगे, संज्ञान में आ गया है, अब हम उसके जो है जाँच करेंगे। जाँच करने के लिए 1 महीना हो गया, अभी तक कोई जाँच नहीं की है, लेकिन ये तो अभी 23 तारीख को इन्हें किया है, हमें तो 1 तारीख में पता चला है। आपका नाम? नंदलाल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? टुडीला के रहने वाला हूँ।